टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू है जो कि नेशन के फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। तो हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एफसीआई की तरफ से पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन है। इस पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपको शुरुआत में बता दिया गया है और आपको बताया जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर जो है रिक्रूट किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसके अंदर। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत में आपको एफसीआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रखी है, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको आगे बता रखा है कि फॉर दी पोस्ट ऑफ मैनेजर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट या डिपार्टमेंट्स है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग भी एक डिपार्टमेंट है। जहां पर बता रखा है कि फॉर दी पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी एंड विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। यानी आपको सिलेक्ट किया जाएगा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। अब ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी इसका आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो कि 40,000 पर मंथ रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार आपका 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली आप कंप्लीट करते हो और आपसे ये जो एफसीआई है ये सेटिस्फाई होती है तो आपको वहां पर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कंपनी के अंदर। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो है आपकी वहां पर जो पेमेंट होगी वो 40,000 से 1,40,000 के बीच वैरी हो सकती है, आपको मिल सकता है। तो ये शुरुआत में आपको बेसिक चीजें के बारे में बता दी गई है, ठीक है। अब आगे आपको जो है वैकेंसीज बताई है और ये वैकेंसीज जोन वाइज है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है एफसीआई के अंदर उनके बारे में आपको इस टेबल के अंदर तमाम जानकारियां दे रखी है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको पहले कॉलम में कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है वो आपको बताया गया है, उसका पोस्ट कोड बाद में आपको बताया गया है, उसके हिसाब से उसको पे स्केल कितना मिलेगा वो बताया गया है, उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए वो भी आपको इस कॉलम में बताया गया है, और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज निकली है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर रखी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है इसका पोस्ट कोड है F और इसमें जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो 40,000 से 1,40,000 आपको पे स्केल दिया जाएगा। वहीं पर आपको जो बता दिया गया कि 1/8/2022 ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कट ऑफ डेट है। तो 1/8/2022 के दिन आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एज लिमिट आपको बता दी गई है। अगर 28 साल से ज्यादा आपकी एज है तो फिर आप यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो। अब आगे आपको जो बताया गया है सिविल इंजीनियर के लिए कि ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है, और इस तरह से कुल मिला के यहां पर 3 वैकेंसीज है आप देख सकते हो नॉर्थ जोन के अंदर। उसके बाद जो है यहां पर एक और जोन में है साउथ जोन में, साउथ जोन में आप देख सकते हो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब कोड वहां पर अगेन F है और सैलरी भी वही है, एज लिमिट भी वही है। यहां पर आप देख सकते हो जो वैकेंसी है वो दोनों वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। तो यहां पर साउथ जोन में 2 वैकेंसीज है, नॉर्थ में 3 वैकेंसीज थी, उसके बाद वेस्ट जोन में हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईस्ट जोन में आप देख सकते हो यहां पर हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट जोन में आप देख सकते हो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, पोस्ट कोड वही है, सैलरी भी वही है, यहां पर एज लिमिट भी वही है, लेकिन यहां पर वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए केवल 1 है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए आपको जॉब बता दी गई है, वैकेंसी बताई। तो कुल मिला के आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जोन में इस तरह की आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे जो है कुछ और भी जानकारियां दे रखी है। अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो या कैंडिडेट हो तो उसके बारे में अगर आपको यहां पर जानकारी चाहिए तो आपको तमाम जानकारियां इस टेबल के माध्यम से दे रखी है। इस टेबल को कृपया ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। या आप देख सकते हो मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर आपके अंदर है तो आपके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है वो भी आप यहां पर देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो आराम से। अब देखिए आगे आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। और यहां पर भी आपको जो कट ऑफ डेट बता दी गई है वो 1/8/2022 बता दी गई है। हम डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की जो जॉब पोस्ट थी उसके अंदर आपको बता दिया गया कि 1/8/2022 के दिन आपकी सिविल इंजीनियरिंग की बीई बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब पोस्ट है। इसमें कई लोग पूछेंगे सवाल कमेंट के अंदर कि सर हम डिप्लोमा किए तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर आपका जिक्र नहीं है। आप केवल यहाँ पर अगर डिग्री होल्डर हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा वालों के यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
तो ये मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए यही बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस के यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर आप एक फ्रेशर हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है आपको आगे यहाँ पर कुछ और भी नोट्स वगैरह बता दी गई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन जोन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम हर एक जोन में अप्लाई करके देख लेते जहां पर भी नंबर लग जाएगा चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। बिकॉज इसके अंदर बता दिया गया कि आप किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हो और वहां पर भी एक जोन के एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप मल्टीपल जोन में मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद कुछ यहाँ पर अहम पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, वो भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देख लीजिएगा कि मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन ओनली, यानी अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो केवल ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर पाओगे, कोई इसका ऑफलाइन या हार्ड कॉपी या प्रिंट वगैरह आप भेज के अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल दे रखी है। तो जो भी रिजर्व कैंडिडेट है रिलैक्सेशन यहाँ पर तलाश कर रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर आपके लिए जरूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है कि अगर आप एक मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। यानी आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप अगर उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको शॉर्टलिस्ट करते फाइनली जो है वहां पर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी सिलेक्ट कर लिया जाएगा और 6 महीने की ट्रेनिंग आपको वहां पर दी जाएगी, जिसमें आपको मंथली 40,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस रहेगी, ये आपको इसमें बता दिया गया है। अब देखिए, ऑनलाइन टेस्ट की जो बेसिक जानकारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बता रखी है, इसको आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसको पूरा डिटेल में कवर नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर बता रखी है कि आपके एग्जाम पैटर्न कौन से होगी, जिसमें फेज वन होगा, फेज टू होगा, फेज वन में क्या होगा, फेज टू में क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, पेपर कितने मार्क्स का होगा, पेपर कितने ड्यूरेशन का होगा, एग्जाम सेंटर क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको इन कुछ पन्नों के अंदर बता रखी है। आप इन सभी पेजेस को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो तो, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम के रिलेटेड सारी जानकारी है आपको। बेसिकली मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दी है कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा, और ध्यान दीजिएगा ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। इंटरव्यू का भी आपको जो कॉल लेटर आएगा वो भी ऑनलाइन ही आएगा, आपको कोई उसका कॉल लेटर घर पे बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको इनकी वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा, वहीं पर आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको आगे डिटेल दे रखी है, आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाते हो, तो साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू एक ही दिन किया जाएगा, तो ये दोनों चीजें आपको एक साथ करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट जो भी आपको वेरीफाई करने के लिए बुलाए जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाने पड़ेगी, उसकी डिटेल यहां पर बता रखी है, आप यहां पर देख सकते हो। ट्रेनिंग की कुछ बेसिक जानकारी दे रखी है कि ट्रेनिंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच कैरीज द वेटेज ऑफ 10%। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो भी 10% का वेटेज रखेगा। आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर और आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के अंदर आपके जो भी परफॉर्मेंस रहेगा या जो भी मार्क्स हो गए या जो भी एग्जाम के परसेंटेज हो गए, उन दोनों को कंक्लूड करके आपको फाइनली सिलेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है ये भी आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का एक पार्ट है, तो इसका जो आपका बता दिया गया आपको 10% वेटेज है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 6 महीने की ट्रेनिंग है आपकी, तो यहां पर आपको बताया कि 40,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ट्रेनिंग सक्सेसफुली दे विल बी कंसीडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द कॉर्पोरेशन एज मैनेजर इन IDA पे स्केल ₹40,000 to ₹1,40,000, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रखी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे, मैं चाहूंगा इन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक तरीके से जरूर पढ़िएगा। देखिए, डाउनलोड कॉल लेटर के लिए आपको बता दिया गया कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, ये उनकी वेबसाइट है, आपको यहां से डाउनलोड करना है। इनकी वेबसाइट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है आपको यहां पर और भी कुछ बातें बता रखी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर या कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट के बारे में आपको बताया है, और यहां कुछ आपको जनरल इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के तौर पर और भी कुछ खास बातें बताई गई है कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। और देखिए, एज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बता दी गई है कि अगर आप 18 साल से कम की एज वाले कैंडिडेट हो तो यहां पर आप एलिजिबल नहीं हो। बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर अभी हम 17 साल के हैं तो क्या हम इसमें अप्लाई कर दें, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं हो, तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सवाल ही नहीं बनते, कृपया ऐसे सवाल ना पूछे। यहां पर बता दिया गया कि 18 साल के ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, तो बस वही शर्त है उनकी, रो फुलफिल होनी चाहिए, एनी हाउ, ठीक है। अगर नहीं होती तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। अब यहां पर आपको नेशनलिटी के बारे में बता दिया गया कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहां बता रखा है कि जो कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं उनको
1,00,000 रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इन सब चीजों को आप ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके स्टेट वाइज जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट होगी वो कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये सारे स्टेट के हिसाब से जो आपके सेंटर होंगे उनके एग्जामिनेशन के, वो सारी यहाँ पर बता रखी। जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको ऑप्शन दिए जाएगी कि कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो, प्रीफरेबल जो आपके ऑप्शन रहेंगे उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके स्टेट या लोकेशन के मुताबिक। सारे आपके स्टेट्स और उनके अंदर जो सेंटर्स हैं उनकी डिटेल इस टेबल के अंदर आपको अच्छी तरह से दे रखी है, तो कृपया इन टेबल्स को ध्यान पूर्वक तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आपके नजदीक जो भी सेंटर है उनको आप यहां पर नोट आउट करके अपने एप्लीकेशन में सबमिट करवाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बता दिया गया है। अगर दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अंदर टाई हो रहा है तो उनका रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, उनकी डिटेल यहां पर बता रखी है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अब देखिए, इसमें अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी एप्लीकेशन फीस भी आपको देनी होगी, और ये एप्लीकेशन फीस है 800 रुपीज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक वुमन कैंडिडेट हो या फिर अगर आप एक SC ST PWBD कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड। लेकिन वहीं अगर आप एक जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो और एक मेल कैंडिडेट हो तो आपको 800 रुपीज यहां पर फीस देनी पड़ेगी, विच इज इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये आपको फीस पे करनी होगी। इसीलिए अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो तो ही यहां पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपकी फीस भी बर्बाद नहीं होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दी गई है, डिटेल्ड गाइडलाइन आपको दे दी गई है कि आपको कैसे आगे सबमिट करना है। सबसे पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो अपनी फीस को पे करना, और उसके बाद एक बार फीस पे कर दे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करके अपलोड करना। ये तीन आपके डिफरेंट स्टेप्स हो गए इस पूरी एप्लीकेशन को सबमिट करने में। और ध्यान दीजिएगा, इसके ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 27/8/2022 से 26/9/2022 के बीच होगी, तो ये दोनों डेट आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 26/9/2022 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए और फीस आपकी पे हो जानी चाहिए, ठीक है। जब तक आप फीस पे नहीं करोगे तब तक आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर यहां पे बताया गया है, कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर करनी है, उसके बाद आपका फोटो कैसा होना चाहिए, उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहां बता रखी है। तो इन सब चीजों को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो भी आप दोगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। 27/8/2022 से 26/9/2022 के बीच आपको अपनी एप्लीकेशन की फीस पे करनी जरूरी होगी, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये उनकी वेबसाइट है, आपको इस पे जाना है। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पे आप जैसे ही जाओगे आपके सामने इनकी वेबसाइट का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो होम पेज है इनका, आप देख सकते हो इसके अंदर ये पॉपअप खुलेगा, इसको क्लोज कर दीजिए पहले। और यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो, हमारे माउस पे आप नजर रखिएगा, करंट रिक्रूटमेंट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप आएगा कि दिस लिंक शेल टेक यू टू अ पेज आउटसाइड ऑफ दिस वेबसाइट, यानी आपको इस वेबसाइट के अलावा किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा ये पेज, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी या नया पेज ओपन होगा। अब ये जो नया पेज है ये इनका रिक्रूटमेंट पेज है। इस रिक्रूटमेंट पेज के अंदर आपको बताया गया करंट रिक्रूटमेंट क्या क्या चल रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हो कैटेगरी 4 रिक्रूटमेंट, कैटेगरी 3 रिक्रूटमेंट, कैटेगरी 2 रिक्रूटमेंट। तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2/2022 था, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बता दिया गया कि करंट रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 2, इसमें अगर रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो PDF की लिंक है यहां पर, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक हियर पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया या इनकी पेज ओपन हो गया। अब इस पेज के अंदर आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये सारी डेट आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर और इसी के अकॉर्डिंगली जो है टाइमलाइन को फॉलो कीजिएगा। अब अगर आप पहली बार यहां पर आए हो इनके डैशबोर्ड या इनके पोर्टल के ऊपर, तो पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और अपने आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। आपकी वहां से एक ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, पासवर्ड आपको वहां पर देना होगा, वो जो क्रेडेंशियल होगा रजिस्टर्ड वो दोबारा यहां पर आके आपको डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद जो है आगे आपकी एप्लीकेशन यहां पर ओपन होगी और वहां पर आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है सारी। इस तरह से यहां पर आपको अप्लाई करना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो यहां पर देखिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर कुछ लिंक आपको यहां पर दे रखी है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा अप्लाई कैसे करना है तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने हाउ टू अप्लाई का डिटेल आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाइडलाइन है अपने डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, फोटोग्राफ को लेकर। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इन लिंक्स पर क्लिक करके उनके
के द्वारा दी गई गाइडलाइन को यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर अप्लाई करने का तरीका और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। उम्मीद है ये सारी अपडेट आपको समझ में आई होगी और तमाम जानकारी आपको इसके अंदर मिल गई होगी। तो इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।